नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन के बारे में या ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर करना या ऑनलाइन से आप अपने हेल्थ चेकअप बुकिंग कर सकते हो, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में, जैसे फार्मेसी, 1MG, अपोलो 24/7 या ट्रूमेट्स, प्रैक्टो, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन का वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप जरूर देखिएगा। आज बहुत दिन बाद इसी टॉपिक्स में और एक वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। आज हम बात करेंगे डॉकॉन एप्लीकेशन के बारे में। तो डॉकॉन एप्लीकेशन यूज करके कैसे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर पाओगे, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर पाओगे, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौस्तव, आप देख रहे हो टेकी बॉन, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, एप्लीकेशन यूज करके जैसे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो कोई भी डॉक्टर के साथ, वैसे ही आप ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर करना, ऑनलाइन से आप अपना हेल्थ टेस्ट या कोई भी चेकअप बुक कर पाओगे, वैसे ही आज हम बात करेंगे डॉकॉन एप्लीकेशन के बारे में। डॉकॉन एप्लीकेशन में कैसे आप अपना प्रोफाइल बना पाओगे और इस एप्लीकेशन को यूज करके आप कैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक कर पाओगे। यहाँ पे आपको वीडियो कंसल्टेशन और क्लिनिक अपॉइंटमेंट दो ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप डॉक्टर के साथ क्लिनिक पे जाके अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना चाहते हो या बुक करना चाहते हो अपना अपॉइंटमेंट, तो इस एप्लीकेशन को यूज करके आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट बुक कर पाओगे डॉक्टर के साथ। तो इस एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स है और डॉकॉन एप्लीकेशन यूज करके कैसे आप अपने डॉक्टर के साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर पाओगे, वो सारा कुछ हम लोग देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट हम चले जाएंगे मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो देखिए, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल के मेन स्क्रीन पर। जल्दी से ओपन कर लेते हैं प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर ओपन होते ही हम लोग सर्च कर लेंगे डॉकॉन। तो आप देख सकते हो डॉकॉन एप्लीकेशन का आइकॉन, जल्दी से इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल हो रहा है डॉकॉन फॉर पेशेंट एप्लीकेशन, इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करके मैं ओपन कर सकता हूँ, या हम लोग सीधे चले आएंगे मेरे मोबाइल के मेन स्क्रीन पर। आप देख सकते हो डॉकॉन फॉर पेशेंट एप्लीकेशन का आइकॉन, जल्दी से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन होते ही यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर और फिर नीचे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा एक OTP और OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई होके आपके सामने ओपन हो जाएगा डॉकॉन फॉर पेशेंट एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस। अब इस एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स है वो एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं। अभी दोस्तों एप्लीकेशन के नीचे आप देखोगे आपको मिल जाएगा तीन ऑप्शन, होम, रिकॉर्ड्स और अपॉइंटमेंट्स का। होम ऑप्शन पे दाहिने तरफ ऊपर आपको मिल जाएगा एक नोटिफिकेशन का बटन, और बाएं तरफ ऊपर थ्री लाइन बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका प्रोफाइल, सेटिंग्स का ऑप्शन और नीचे हेल्प एंड सपोर्ट और लॉगआउट का बटन। सेटिंग्स ऑप्शन पे आप जाओगे, लॉगिन मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, अपना एड्रेस और पिन कोड सेव करके रख सकते हो। और होम ऑप्शन के मेन इंटरफेस पे ऊपर आपको मिल जाएगा एक सर्च बार, जहाँ पे आप डॉक्टर का नेम या डॉकॉन आईडी लिख के सर्च कर सकते हो डॉक्टर का प्रोफाइल। नीचे आपको मिल जाएगा एक ट्यूटोरियल गाइडलाइन, जहाँ पे दिया गया है कैसे आप डॉक्टर के साथ वीडियो कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर पाओगे। तो यहाँ पे इजी 4 स्टेप दिया गया है। पहले स्टेप पे आपको डॉक्टर को सर्च करना है और डॉक्टर का प्रोफाइल सिलेक्ट करना है डॉक्टर के नाम से या डॉकॉन आईडी से। स्टेप 2 पे आपको कंसल्टेशन टाइम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट का अलग अलग डेट का अलग अलग टाइम स्लॉट। तो आप अपने सुविधा मुताबिक यहाँ पे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट के लिए आप एक डेट और टाइम स्लॉट चूज कर लोगे। थर्ड स्टेप पे आपको करना है कंसल्टेशन फी पेमेंट। तो यहाँ पे आपको कंसल्टेशन बुकिंग के लिए या अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीड्योर कंप्लीट कर देना है, और उसके बाद डॉक्टर के साथ आपका अपॉइंटमेंट एक शेड्यूल टाइम पे बुक हो जाएगा। एंड उस शेड्यूल टाइम पे डॉक्टर आपको वीडियो कंसल्टेशन के लिए अपनी तरफ से कॉल कर लेंगे। और फोर्थ या आखिरी स्टेप पे कंसल्टेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपना प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हो। होम बटन के बाद रिकॉर्ड ऑप्शन पे हम लोग आएंगे,
तो यहाँ पे आप अपने पेशेंट का हिस्ट्री या रिकॉर्ड सेव करके रख सकते हो। उसके लिए आपको पहले से एक अपॉइंटमेंट बुक करना है और बुकिंग के बाद यहाँ पे पेशेंट का हिस्ट्री या रिकॉर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो या सेव करके रख सकते हो। रिकॉर्ड्स के बाद अपॉइंटमेंट ऑप्शन पे हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट आप बुक करोगे या शेड्यूल करोगे या कंसल्टेशन हो जाएगा, सारे अपॉइंटमेंट्स का हिस्ट्री या डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम लोग वापस आ जाते हैं होम बटन पे और देख लेते हैं डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट कैसे आप बुक कर पाओगे। तो दोस्तों होम ऑप्शन पे ऊपर आप देखोगे फाइंड योर डॉक्टर या बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर कंसल्टेशन करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे आपको मिल जाएगा एक सर्च बार, सर्च बार योर डॉक्टर नेम और डॉकन आईडी। तो सर्च बार पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्टर का नेम, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या डॉकन आईडी देके डॉक्टर का प्रोफाइल सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कोई सजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है या डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन वाइज भी आप सर्च नहीं कर सकते हो। तो ये रिस्ट्रिक्शन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको अगर डॉक्टर का एग्जैक्ट नाम पता हो तभी आप यहाँ पे डॉक्टर सर्च कर पाओगे। आपको अगर कोई हेल्थ इशू हो और आप स्पेशलाइजेशन लिख के सर्च करना चाहते हो तो वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे कोई डॉक्टर का नाम लिख के सर्च कर देता हूँ। तो जब भी आप सर्च करोगे यहाँ पे डॉक्टर का पूरा नाम, उनका स्पेशलाइजेशन और डॉकन आईडी देखने को मिलेगा। तो आपको क्लिक करके डॉक्टर का प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने ओपन हो जाएगा अपॉइंटमेंट बुकिंग का एक स्लॉट। ऊपर आप देखोगे डॉक्टर का नाम, स्पेशलाइजेशन, दाहिने तरफ ऊपर व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन और नीचे अगले 5 डेट पे कौन कौन सा अपॉइंटमेंट स्लॉट खाली है उसका सारा डिटेल्स टाइमिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और दाहिने तरफ आपको मिल जाएगा एक मंथली कैलेंडर का भी ऑप्शन, तो यहाँ से भी आप कोई भी डेट चूज़ कर सकते हो। और अगर आप डॉक्टर का प्रोफाइल व्यू करना चाहते हो तो व्यू प्रोफाइल ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे दाहिने तरफ ऊपर। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डॉक्टर का नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, स्पेशलाइजेशन, अपॉइंटमेंट करके बटन यहाँ भी आपको मिल जाएगा। डॉक्टर जो भी क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे क्लिनिक का नाम, एड्रेस, नीचे व्यू लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक करके आप गूगल मैप में क्लिनिक का लोकेशन भी चेक कर सकते हो या कॉल क्लिनिक बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा क्लिनिक का डायरेक्ट नंबर। तो आप क्लिनिक पे कॉल करके भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और उसके बाद आपको मिल जाएगा डॉक्टर कौन से डेट पे इस क्लिनिक में कौन से टाइमिंग में यहाँ पे कंसल्टेशन करते हैं उसका सारा डिटेल्स। तो अभी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हमको अपॉइंटमेंट बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे डेट चूज़ कर लेना है जिस डेट पे डॉक्टर अवेलेबल है अपॉइंटमेंट के लिए। फिर आपको यहाँ पे एक टाइमिंग चूज़ कर लेना है। तो ऊपर आप देखोगे अपॉइंटमेंट समरी में डॉक्टर का नाम, स्पेशलाइजेशन, अपॉइंटमेंट डेट, टाइमिंग, सारा डिटेल्स आ गया है। नीचे आपको ऐड पेशेंट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको पेशेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा डिटेल्स डाल के ऐड पेशेंट बटन पे क्लिक कर देना है। आप एक से ज़्यादा पेशेंट भी ऐड कर सकते हो, उसके लिए आपको दोबारा ऐड पेशेंट बटन पे क्लिक कर देना है और फिर से आप दूसरे किसी पेशेंट का सारा डिटेल्स फिलअप करके आप पेशेंट ऐड कर सकते हो। जब भी आप पेशेंट का सारा डिटेल्स डाल के पेशेंट का प्रोफाइल यहाँ पे ऐड कर लोगे फिर नीचे आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो गया है। ऊपर आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट का डेट, टाइमिंग, नीचे डॉक्टर का डिटेल्स और पेशेंट का डिटेल्स। आप नीचे सी प्रोफाइल पे जाके डॉक्टर का प्रोफाइल चेक भी कर सकते हो या नीचे मैनेज अपॉइंटमेंट बटन पे जाके अपना अपॉइंटमेंट का सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लिनिक का लोकेशन, क्लिनिक पे कॉल करने का ऑप्शन, अपना अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल करने का ऑप्शन या अपॉइंटमेंट कैंसिल करने का ऑप्शन। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल या कैंसिल करना चाहते हो तो आप दाहिने तरफ नीचे अपॉइंटमेंट ऑप्शन पे आ जाओगे। उसके बाद आपको दिखेगा एक्टिव अपॉइंटमेंट का डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट चूज़ कर लेना है। फिर नीचे आपको मिल जाएगा रिशेड्यूल अपॉइंटमेंट और कैंसिल अपॉइंटमेंट। तो आपको अगर रिशेड्यूल अपॉइंटमेंट करना है तो रिशेड्यूल अपॉइंटमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको दूसरा कोई डेट या टाइम चूज़ कर लेना है। तो आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा सक्सेसफुली रिशेड्यूल्ड। और अगर आप अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करना चाहते हो तो नीचे कैंसिल अपॉइंटमेंट बटन पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद कन्फर्म बटन पे क्लिक कर दोगे।
तो आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा सक्सेसफुली कैंसल्ड। और दोस्तों आपका अगर कोई हेल्थ कंसर्न हो, जैसे आपका पिछले कुछ प्रिस्क्रिप्शन का डिटेल्स या टेस्ट रिपोर्ट का डिटेल्स, आप कंसल्टेशन के पहले वो डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हो। तो आप देखोगे अपॉइंटमेंट डिटेल्स ऑप्शन पे, ऊपर आप देखोगे ऐड डिटेल्स करके एक ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हेल्थ कंसर्न ऑप्शन के अंडर आप अपना इशू मेंशन कर सकते हो, या आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट रहा जैसे पिछला प्रिस्क्रिप्शन या टेस्ट रिपोर्ट या कोई भी फ़ोटो, तो यहाँ पे आप ऐड फोटो भी कर सकते हो या डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो। तो आपका अटैचमेंट और हेल्थ रिलेटेड कंसर्न आपके साथ डॉक्टर के कंसल्टेशन से पहले यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो। और सारा डिटेल्स और फाइल अटैचमेंट के बाद आपको नीचे सबमिट डिटेल्स बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा डॉकॉन एप्लीकेशन यूज करके कैसे आप अपने डॉक्टर के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर पाओगे, आप यहाँ पे क्लिनिक अपॉइंटमेंट जैसे बुक कर पाओगे या शेड्यूल कर पाओगे, वैसे यहाँ पे वीडियो कंसल्टेशन का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। पर मैंने जब ट्राई किया ये ऑप्शन मुझे नहीं मिला, जैसे वीडियो कंसल्टेशन करना अपने घर बैठे या ऑनलाइन पेमेंट करके वीडियो कंसल्टेशन करना, या इस एप्लीकेशन का कुछ कुछ फीचर्स मुझे उतना कंप्लीट नहीं लगा। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और घर बैठे डॉक्टर के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना, इसके बारे में उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी नए वीडियो में जहां सीखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में नया कुछ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि डॉकॉन एप्लीकेशन का ये सारा फीचर्स आपको कैसा लगा, और आप कभी अगर डॉकॉन एप्लीकेशन यूज करके डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आप अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।